वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑफ ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ, वो भी मेरा शॉपिंग हॉल ही है, बट वो एक कोई ड्रेस नहीं है, बस लड़कियों की फेवरेट चीज़। सोचो क्या हो सकता है वो, जिस टॉपिक पे मेरा चैनल है आर्ट्स ऑफ ब्यूटी, तो उसी से रिलेटेड आज मेरा वीडियो है। मेरा वीडियो है आज मेकअप हॉल के ऊपर, जो कि मैंने पर्पल से परचेज की हुई है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके पर्पल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले पर्पल पे कुछ ऑफर चल रहा था एम बाई वे प्रोडक्ट पर, बाय 5 गेट 5, जिसमें से मैंने 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, जिसमें से मुझे 5 रुपीज़ पेमेंट करने पड़े और 5 मुझे फ्री मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे ले मिले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे पैसे देने के हैं। मैं आप लोगों को साइड में पिक्चर भी दिखा दूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने परचेज किए थे और उनके प्राइस क्या है। तो स्टार्ट करें। यस गाइस, ये मैंने पैकेज जिसे मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं दिखा रही हूँ आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो। यस, ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ मेरे कम प्रोडक्ट्स सारे ही हम बाई देते हैं। मैं आपको अभी भी करके दिखा दूँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनका रियल प्राइस क्या है। फर्स्ट है मेरा एन बाई वे का बेबी क्रीम विथ SPF 20, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, मैंने अभी इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया है। फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए थे। फर्स्ट है मेरा एन बाई वे का बेबी क्रीम, और मैंने ये एक नहीं, मैंने ये दो ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे बेबी क्रीम पसंद है, देख सकते हैं आप। और दोनों ही SPF 20 हैं, इनका रियल प्राइस है 125, और इनकी क्वांटिटी है 18 ग्राम। यस, तो ये और ये शेड नंबर मेरा 01। तो गाइस, यस, फर्स्ट मेरे दो प्रोडक्ट ये हैं, जो कि 125 को 250 में मुझे ये दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इसकी मुझे पेमेंट देनी पड़ी है। थर्ड प्रोडक्ट है एम बाई वे का सीसी क्रीम, ये भी विथ SPF 20 है, और ये है मेरा शेड नंबर 3। इसका प्राइस भी 125 और इसकी क्वांटिटी 18 ग्राम है। ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट, और इसका प्राइस आप लोगों को बता चुके हैं 125, तो इसके लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ी है। देन हम नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको, वो है ये मेरा एन वाई वे का प्योर एस हेड सन मिस क्लियर वाटर। पैकेजिंग मैं इसको ओपन करके देख चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये किस तरह की पैकेजिंग है। मैंने पूरा ओपन नहीं किया था, कुछ किस तरह की पैकेजिंग है ये, तो ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ अंदर से इस तरह की बॉटल में है, छोटू बॉटल, बहुत क्यूट सी बॉटल है ये, और ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, और इसका प्राइस भी 125 है। तो ये फोर्थ प्रोडक्ट है जो मुझे 125 का परचेज हुआ है, और इसकी क्वांटिटी 50 ml है। ये ऑल इन वन क्लींजर एंड रिमूवर है, तो ये इसे मेकअप मेकअप रिमूवर यूज करने के लिए मैंने मंगवाया है, जो कि इसका मेकअप अच्छा होता है। कोई भी मेकअप लगाते तो हमें उसे डायरेक्ट वॉश करने से अच्छा हमें पहले उसे रिमूव करना चाहिए मेकअप रिमूवर से। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह की पैकेजिंग, कुछ इस तरह के आकार से देख रहे हैं। इसका प्राइस है 115, और ये 4.2 ग्राम की क्वांटिटी में है। Yes, guys,
कि कुछ इस तरह के स्टिक में है, ऐसा लग रहा है जैसे लिपस्टिक है ये। फर्स्ट टाइम मैंने कंफ्यूज हुई थी, बट मैंने इसे ओपन मैंने किया है, आप लोगों के साथ भी ओपन किया था फोटो में, मैंने कुछ भी देखा है, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। ये भी कंसीलर है, डीप कास्टर ऑयल इन्फ्यूज्ड रेंज फाउंडेशन कंसीलर, बट मैंने डार्क शेड में ऑर्डर किया था ताकि जैसे एज अ कंटूर यूज कर सकूं। इसमें शेड नंबर 23 है मेरा, तो टॉप इज सीक्रेट ट्रेजर। ये कुछ आई डोंट नो कि एज अ कॉन्टोर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा है, बट ट्राई करके देखूंगी करता है कि नहीं करता, फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यस गाइस, ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देन वो है मेरा लिपस्टिक। यस, ये है रेड शेड में, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसे भी। ये कैसा है, मैंने तो मुझे रेड शेड बहुत पसंद है, रेड शेड और इसका प्राइस नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग को साइज में दिखा देती हूँ आपको उसका प्राइस शेड दिख रहा है, उसका स्क्रैच दिखाती हूँ आपको। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है रूटीन काजल, इसमें से एक व्हाइट है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। मुझे नहीं पता है कौन सा व्हाइट ब्लैक ब्लू है, मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। मैंने ओपन कर लिया, मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा कौन सा शेड में अच्छी है या नहीं। फर्स्ट है मेरा ब्लैक, अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स गाइस।